वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का वीडियो है इन्फॉर्मेशन वीडियो। बहुत सारे सब्सक्राइबर्स, बेसिकली जो न्यू सब्सक्राइबर्स होते हैं तो मेरे चैनल पर आकर के वीडियो देखने के बाद मुझे पूछता है कि आप क्लीनिंग करने के बाद क्या करते हो। तो पहले मैं बता देती हूँ, ये स्लेट पेंसिल मैं जब खरीद करके लाई हूँ उसके बाद सिर्फ ये स्लेट पेंसिल, ये जो लेयर होता है ना, इसका ड्राई क्लीनिंग एंड वेट, जो पेंसिल को वेट करके एंड देन जो मैं क्लीन करती हूँ वो इस तरीके की क्लीनिंग ये स्लेट पेंसिल हुई है। ये न्यू ब्रांड स्लेट पेंसिल है, मैं नहीं बता रही हूँ कौन से ब्रांड है, आप लोग गेस करके बताना। और जो न्यू सब्सक्राइबर्स है वो उनसे मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप रिसेंट जो न्यू वीडियोस अपलोड हो रही है वो देखो, तो आप लोगों को पता चल जाएगा ये कौन सी ब्रांड की स्लेट पेंसिल है। तो सवाल ये है कि मैं क्लीनिंग करने के बाद क्या करती हूँ। मैं क्लीनिंग करने के बाद बहुत कुछ करती हूँ। तो पहले मैं ट्राई करती हूँ स्लेट पेंसिल को, इसमें से तो तरी तरी के शेप के स्लेट पेंसिल है, तो मैं कोशिश करती हूँ मेरी काम की आसानी के लिए सेपरेट करने के लिए, क्योंकि मुझे थिक स्लेट पेंसिल आसानी से मिल जाए, थिन मिल जाए, ब्रोकन मिल जाए, एंड मैं प्रिपरेशन में रखती हूँ, शॉर्ट्स में ब्रश करती हूँ, एवरीथिंग। तो मैं क्या करती हूँ, ये सवाल मुझे बहुत सारे सब्सक्राइबर्स पूछते हैं कि आप क्लीनिंग करने के बाद क्या करते हो इन पेंसिल्स का। तो ये पेंसिल मेरी रेगुलर काम के लिए है, तो पहले मैं इसको नीचे रख देती हूँ। ये जो ब्रांड है मुझे बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड करी है ये ब्रांड की स्लेट पेंसिल। यहाँ पर कितने सारे स्लेट पेंसिल हैं चलो पहले वो काउंट कर लेती हूँ, 10-10 करके काउंट करती हूँ, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10। और बाकी जो आप लोग देख रहे हो यहाँ पर, ये अनशेप्ड ब्रोकन है क्योंकि ये फुल तो लॉन्ग नहीं है, नहीं कह सकती फुल लॉन्ग, थोड़ा बहुत इधर से, हाँ तो यहाँ पर कितने हैं, 2-3 एक्स्ट्रा है, इसको मैं साइड में रखती हूँ। 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, यहाँ पर है टोटल 90 स्लेट पेंसिल। तो इसको मैं यहाँ पर साइड में रखती हूँ, ऐसे रहेगा नहीं रहेगा, गिर जाएगा, मेरे पास कोई गार्डर भी नहीं है। ओके, तो मैं इसको अब
इसमें रखती हूँ। तो यहाँ पर है 90 स्टेप पेंसिल जो कि टोटल लॉन्ग थिक है, 99.9% स्लेट पेंसिल थिक है और बाकी थोड़ा बहुत थिन है। और यहाँ पर है, यहाँ पर से कि मैं 3 इकट्ठा कर सकती हूँ, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो इसमें से जो 10 पेंसिल मैं काउंट कर रही हूँ ये इससे थोड़ा बहुत लॉन्ग है, तो इसको मैं यहाँ पर ऐड करके 100 एस पी कर रही हूँ। यहाँ पर है 100 स्लेट पेंसिल और यहाँ पर है अनशेप्ड जिसको मैं ज़्यादातर शॉर्ट्स में क्रश करती हूँ। तो अब मैं सोच रही हूँ कि यहाँ पर जो 100 स्लेट पेंसिल है इसको मैं क्लीनिंग करके रखूँगी। मैं ज़्यादातर मेरी 5000, 2000, 3000 स्लेट पेंसिल एक साथ क्लीनिंग करती हूँ। तो आज ये वीडियो खास करके मेरी न्यू सब्सक्राइबर्स के लिए है, जो सब्सक्राइबर ज़्यादातर मेरे चैनल पर आके यही कमेंट करते हैं कि आप क्या करते हो क्लीनिंग करने के बाद। तो डियर, क्लीनिंग करने के बाद प्रोसेस चालू रहते हैं। ओके, तो ये मैं अब कहाँ रखूँ, ये साइड में रखती हूँ और मैं इसको मैं अब वेट क्लीनिंग करूँगी। तो मैं वाटर लेकर के आती हूँ। ओके, लेकर के आ गई हूँ ये गमला में। तो अब मैं क्या करूँगी, ब्रोकन को थोड़ा साइड में रख दूँगी एंड यहाँ पर जो 100 स्लेट पेंसिल है इसको मैं वाटर में प्रॉपर क्लीनिंग करूँगी। तो ट्राईपॉड को अच्छे से सेट कर लिया हूँ। अब ये जो वाटर है इसमें मैं 100 स्लेट पेंसिल क्लीनिंग करूँगी। तो ये वीडियो जो जो सब्सक्राइबर्स देख रहे हो, आप में से न्यू जो सब्सक्राइबर्स है वो मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा आप लोगों को मेरी ये क्लीनिंग प्रोसेस कैसा लग रहा है। तो यहाँ पर है 100 स्लेट पेंसिल जिसको मैं वाटर में दे दूँगी। स्लेट पेंसिल जो कि वाटर में ऐड करने से तुरंत वाटर सोक कर लेते हैं। और आप लोग एक साउंड सुन रहे हो, ये साउंड वाटर सोक करने की साउंड है। और गाइस, स्लेट पेंसिल ड्राई में जितना भी आरती हो ना क्यों, वाटर में ऐड करने से बाद वो बहुत ही ज़्यादा आर्टीनेस बढ़ जाते हैं, बहुत ज़्यादा। इसका जो खुशबू है मैं क्या बताऊँ, बहुत ही अच्छा, बहुत ही अलग तरीके से एक खुशबू आते हैं। ये जो वाटर है ये इसको मैं वेस्ट नहीं करती हूँ क्योंकि ये वाटर बहुत ही ज़्यादा आरती होता है। मैं जब प्रिपरेशन वीडियो बनाती हूँ तो ये वाटर मैं यूज़ करती हूँ क्योंकि ये वाटर बहुत ही फ्रेश एक वाटर है। ये वाटर बेसिकली क्या है, इसका जो न्यू जो स्लेट पेंसिल होता है ना, तो इसका ऊपर जो हल्का सा पाउडरी पाउडरी रहता है, तो ये वाटर वही है, पाउडर जो निकल के रहता है। ये और थोड़ा सोख होने के बाद इसका लेयर निकल जाएगी, देख सकते हो ये जो लेयर वाला पोर्शन है ना, ये वाटर अभी भी सोख कर रहा है।
इसका लेयर मैं प्रॉपर नहीं निकल पा रही हूँ क्योंकि ये अच्छे से अभी तक सोक नहीं हुई है। तो ओके एवरीवन, इसको मैं अब ये बोल में तो उठा लूँगी। ये वाटर मैं पेपर शन में यूज़ करूँगी। लेयर निकलने की कोशिश कर रही थी, लेयर तो नहीं निकल पाई हूँ, तो ये उसी का ही ब्रोकन पार्ट है। तो अब मैं मेरी स्लेट पेंसिल को धूप में रख दूँगी एंड ड्राई कर लूँगी। ये बोल को साइड कर देती हूँ। ये ट्रे में मैं स्लेट पेंसिल को ड्राई होने के लिए बाहर धूप में रख दूंगी। ओके एवरीवन, तो इसको मैं धूप में रख देती हूँ। तो अब यहाँ पर है अनशेप्ड ब्रोकन स्लेट पेंसिल, तो इसको मैं क्या करती हूँ, इसको मैं थोड़ा बहुत तो मेरी जो शॉर्ट्स वीडियो होते हैं ना, तो उसमें मैं क्रश करती हूँ। इसका साउंड बहुत अच्छा आते हैं और इसका जो सेटिस्फेक्शन है वो क्रशिंग करने के बाद या क्रशिंग करने के वक्त बहुत ही अच्छा सेटिस्फेक्शन मिलता है। तो इसको मैं कभी कभी वेट क्रश करती हूँ एंड कभी कभी मैं ड्राई क्रश करती हूँ। तो अब मैं इसको इसमें से थोड़ा बहुत स्लेट पेंसिल मैं ड्राई क्रश करूँगी। तो शॉर्ट्स में क्या होता है, स्लेट पेंसिल का क्वांटिटी वाइज अगर मैं ज़्यादा लूँ तो टाइम ज़्यादा लगता है, अगर मैं थोड़ा कम लूँ तब भी 2 मिनट्स के अंदर टाइम लगता है। तो अब मैं यहाँ पर आप लोग देख सकते हो ये क्वांटिटी का स्लेट पेंसिल लिया हूँ। तो ये वीडियो मैं फास्ट नहीं करूँगी, फास्ट तो गाइस करनी पड़ती है क्योंकि 1 मिनट के अंदर एडजस्ट करने पड़ता है। और एक स्लेट पेंसिल क्रशिंग के वीडियो तो मैं दो वीडियो में डिवाइड नहीं कर सकती हूँ, उसको अच्छा नहीं लगेगा देखने में। तो ऐसा करके मैं स्लेट पेंसिल लिया हूँ, अब मैं इसको क्रश करूँगी, इसको मैं फर्स्ट नहीं करूँगी। ओके, तो मैं स्टार्ट करती हूँ क्रश।
करके आप लोगों को दिखा दिया हूँ। इसको जो पाउडरी शेप है वो कुछ इस तरीके की शेप है। तो ये पाउडर को मैं साइड में रख देती हूँ। एंड जो लास्ट जो सवाल मुझसे पूछा जाते हैं वो है आफ्टर क्लीनिंग पार्ट्स। सभी तो नहीं पूछते हैं क्योंकि मेरी पुराने सब्सक्राइबर्स को पता है मैं क्या करती हूँ। आफ्टर क्लीनिंग पार्ट्स को मैं क्या करती हूँ, क्लीनिंग करने के बाद स्लेट पेंसिल जो आफ्टर पार्ट्स है वो ये है। स्लेट पेंसिल क्लीनिंग करने के बाद ये है आफ्टर क्रशिंग पार्ट, जो कि बहुत 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 क्रंची एंड आर्टी होता है। तो इसको मैं मेरी शॉर्ट्स में क्रश करती हूँ। शॉर्ट्स में तो फास्ट कर देती हूँ, तो आज मैं नेचुरल जो स्पीड है वही मैं इसको क्रश करूँगी। ये हो गए आफ्टर क्लीनिंग पार्ट की क्रशिंग। बहुत ज़्यादा आरती होता है, बहुत ज़्यादा। तो ये है बेसिकली मेरी न्यू सब्सक्राइबर्स के लिए एक डिटेल्स वीडियो। आप लोगों को कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ओके गाइस, अभी तक के लिए बाय, स्टे सेफ एंड हैप्पी।
Thank you.